Hello friends, we are continuing the topic algebraic expressions and its identities. We have learned so many algebraic expressions, then we learn operation between them, like we have solved plus means addition, subtraction, multiplication of algebraic expression and division of algebraic expression. Now today I am going to take identities. जो आइडेंटिटी मैं लूंगी दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज विच प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस टॉपिक एज वेल एज योर फर्दर एग्जामिनेशंस. साइंस हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, आगे के कोई भी एग्जाम्स हो, जितना भी हम आगे पढ़ेंगे मैथ्स से रिलेटेड जो भी पढ़ेंगे उसमें ये आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. तो आप इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए. दीज थ्री फोर आइडेंटिटीज आर, first is if we have a plus b whole square, then we can write a square plus 2ab plus b square. If we have a minus b whole square, then we can write a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर. इनकी डिटेलिंग मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगी, पहले मैं आइडेंटिटी राइट कर लूं. ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड फोर्थ वन इज इफ वी हैव एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी देन इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, ये जो चार आइडेंटिटी हैं दीज आर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, बट ये आई कहाँ से, हाउ दे डेवलप्ड. लाइक हमने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े तब हमने उनका मल्टीप्लिकेशन देखा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिए. लाइक आई हैव टू एक्स प्लस वाई, देन व्हाट आई डिड, टू का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, टू का मल्टीप्लाई इससे भी होगा. I am taking just simple simple example. ये situation हमने पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ ऐसी situation पढ़ी कि like we have this, then ये पूरी एक term है 2xy, इसका multiplication इससे भी होगा, इससे भी होगा. ठीक है, by the property of distributive property. फिर हमने इसे further solve किया, ये हुए मोनोमियल्स, मींस एक टर्म का मल्टीप्लाई दो टर्म से, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से. हमने ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल, बहुत सारे एग्जांपल कंटिन्यू पढ़े. इसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आया लाइक वी हैव दिस एंड दिस, तब आपने क्या किया, इस 2x का मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म से किया, फाइन, प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी, देन अगेन इसका मल्टीप्लाई से, इससे, इसका मल्टीप्लाई से एंड इससे, और फिर आगे सॉल्व किया. सॉल्यूशन मैं नहीं ले रही हूँ, मैं केवल एग्जांपल्स ले रही हूँ कि हमने क्या क्या सिचुएशंस पढ़ी. जब ये हो गया तो हमने देखा कि यहाँ पे ये डिफरेंट है. ठीक है, ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, बट दीज टू टर्म आर डिफरेंट टर्म, दीज टू टर्म्स आर बाइनोमियल बट स्टिल दे आर डिफरेंट. अब ऐसी कोई अगर सिचुएशन आई कि बाइनोमियल ही है बट सेम टर्म है, तब हम क्या करेंगे, तभी भी हम यही प्रोसीजर करेंगे, 2x का पूरा मल्टीप्लाई से होगा, देन 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे. या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई 4x स्क्वायर माइनस 5 एंड अगेन 4x स्क्वायर माइनस 5, ये सेम टर्म है बट दो टर्म दो बार है तो इनको मल्टीप्लाई तो हमें करना ही होगा, फाइन. तो ऐसे जब सिचुएशंस आए तो उससे हमारी कुछ आइडेंटिटीज निकली कि हम इन्हें आइडेंटिटी के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक एग्जांपल पहले लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि पर्पस क्या है आइडेंटिटी का. ठीक है, उसके बाद ये आइडेंटिटी कैसी आई हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट मैंने लिया है 2x plus 3 and 2x plus 3. 2x plus 3 and 2x plus 3. जब हमें आइडेंटिटीज नहीं पता थी तब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस 2x का ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो ऑपरेशन है वो कॉपी होगा, एंड देन 3 का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा,
और ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन 2x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस देन 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करें ऐसे एरोज लगा लें तो कन्वीनियंट होगा, वो 2x प्लस 3 इंटू 3, राइट। इसके बाद आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का जब x से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव एक्स स्क्वायर बिकॉज उन दोनों की पावर 1 है, पावर विल एडेड बिकॉज द साइन इज मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज आपको सारी याद होना चाहिए। देन 2x इंटू 3 का जब मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू 6x प्लस अगेन 6x प्लस 9 एंड फाइनली योर रिजल्ट विल बी 6x एंड 6x लाइक टर्म है तो दे विल एड एंड ये आएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा सा प्रोसीजर हमें करने में कॉम्प्लिकेटेड लगा, एक स्टेप ज़्यादा हुआ। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप इसमें, ये तो एक सॉल्यूशन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इट इज क्वाइट लेंथी सॉल्यूशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अल्टरनेट मेथड जो हम आइडेंटिटी यूज करके अप्लाई करेंगे, ए भी था, ठीक है ना। क्या हम 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने ये होल स्क्वायर लिखा। ये एक टर्म है, इसकी कोई पावर नहीं है मींस 1 है, सेम टर्म है और उसकी कोई पावर नहीं है मींस 1 है। जब भी दो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट है इट मींस यहां पर ऑटोमेटिकली क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन। बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी, एड हो जाएंगी। सिंपल, जैसे एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, इन द सेम वे 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम अपनी आइडेंटिटी देखेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, प्लस वाली। इसके इक्विवेलेंट हमें ये दिख रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। नाउ आवर सिचुएशन इज 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। सो क्या हम ए की प्लेस पे 2x को रिप्लेस कर सकते हैं एंड बी की प्लेस पे 3 को रिप्लेस कर सकते हैं? यस। अगर हम कंपेयर करें तो इन प्लेस ऑफ एक्स क्लियरली हमें दिख रहा है 2x एंड इन प्लेस ऑफ बी आई कैन इजीली वॉच 3, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर, ए इज व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस डॉट इज नॉट डेसिमल, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ए, ए इज व्हाट 2x, बी इज व्हाट 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ ए एंड बी। अब देखिए हमारे लिए कितना ईजी हो गया ये, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 3 जा 12, एक्स प्लस 9। डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आ गया। इससे पहले के सिचुएशन में हमने इस टर्म का दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म का दोनों से मल्टीप्लाई किया, देन अगेन आई अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड फाइनली आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग प्रोसीजर आई कैन अप्लाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑल्सो, बट आइडेंटिटी लगाने से पहले क्वेश्चन का नेचर हमको समझ में आना चाहिए। यह आइडेंटिटी जब लगेगी, जब हमें सिमिलर टर्म हो, इधर भी 2x प्लस 3 है, इधर भी 2x प्लस 3 है, सो इजिली आई कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही रेंडमली लिया था बट वो मैंने माइनस कर लिया तो मैं अब उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगी। 4x स्क्वायर माइनस 5 एंड अगेन आई हैव 4x स्क्वायर माइनस 5। रेंडमली मैंने एक क्वेश्चन लिया था, पुराना अगर प्रोसीजर फॉलो करें तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, देन इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से, वो भी सही है बट वो लॉन्ग होगा। तो व्हाट विल प्रिफर, विल प्रिफर आइडेंटिटी। क्या हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
यस, बिकॉज ये दो टाइम आ रहा है, मीन्स इनकी पावर वन है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। फाइन, अब हमारे पास जब ये बन गया है फॉर्मेट में, तो हमारी सेकेंड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अब हम उसको देखेंगे। इफ़ वी हैव ए माइनस बी होल स्क्वायर, देन वी कैन इजीली राइट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्लेस पे हमारे पास है 4x माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ विल कंपेयर, ए इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 5। क्लियरली 4x स्क्वायर, क्लियरली हमें दिख रहा है कि इन प्लेस ऑफ ए अगर हम कंपेयर करें तो 4x स्क्वायर है, बी की प्लेस पे हमारे पास 5 है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की प्लेस पे 4x स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, तो पहले जो ए था वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन स्क्वायर टू, ए इज वॉट 4x स्क्वायर एंड बी इज वॉट 5 प्लस 5 स्क्वायर। वैल्यू हमने अभी पुट की है, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। नाउ 4 स्क्वायर इज 16 एंड x स्क्वायर टू द पावर 2 मीन्स पावर टू द पावर। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी हम कोई भी एल्जेब्रा से रिलेटेड चीज़ पढ़ते हैं तो हमको पावर, एक्सपोनेंट, सारे फॉर्मूलास, सब कुछ टिप्स पे याद होना चाहिए। जब पावर टू द पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ हमारे पास x² टू द पावर 2 है, तो वो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके इट विल गिव यू x टू द पावर 4। फाइन, माइनस नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 4 20, 2 40 x² एंड 5² इज 25। देखिए कितना इजी हो गया है, एक ही स्टेप आया है मेन और उसके बाद आंसर। बट ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपको एक तो आइडेंटिटी याद हो, आइडेंटिटी अप्लाई करना याद हो कि हमें कंपेयर करके अप्लाई करना है, प्लस क्वेश्चन का नेचर समझ में आए। लाइक यहाँ पर दोनों माइनस की टर्म थी, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों प्लस के थे तो वी हैव अप्लाइड ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इन आइडेंटिटीज पे भी जाएंगे, मैं इनको रब कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। अब हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल्स, कुछ छोटी सी दो तीन एलिमेंट्री चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराऊंगी। लाइक आई हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, हम इस पूरी टर्म का इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, तो व्हाट इट विल गिव, -2x * x - 2x * 5। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एक ये सिचुएशन आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक सिचुएशन ऐसा कुछ आ सकता है लाइक वी हैव कोई फैक्टर, जो भी आप टर्म कह लें, और उसके बाहर माइनस है। ऐसे सिचुएशन में एज आई टोल्ड यू, इफ ब्रैकेट के बाहर वी हैव माइनस साइन, देन अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स का कोई साइन नहीं है, मीन्स क्या है, प्लस है, तो एक्स विल बिकम नेगेटिव एंड वाई विल बिकम पॉजिटिव। एक और ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लें लाइक वी हैव, तो व्हाट विल डू, जो भी साइन है उनके ऑपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का ए है तो माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का बी है तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का सी है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्लस, एंड डी भी सेम वैसा ही जैसा था ऑपोजिट हो जाएगा। मीन्स ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ रहा है तो हमें बहुत ध्यान देना है कि अंदर के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ सकती है जो हमें ध्यान रखनी है, इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है, इन दोनों में माइनस है तो हम माइनस को बाहर लेके इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो देखिए दोनों इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, यस। सो इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस, देन वी कैन राइट इन दिस वे, एंड इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस, देन वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, वाइस वर्सा, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस आएंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोई और एग्जाम्पल ले लें इसका, लाइक वी हैव माइनस एक्स प्लस वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई।
अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लें, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स बन जाएगा माइनस एंड वाई बन जाएगा प्लस। देखिए इक्वल आ गया है, एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल आ गया है, मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस एंड इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस। दिस थ्री फोर थिंग्स आर वेरी वेरी एलिमेंट्री बट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से ट्रिकी, तो हर किसी भी क्वेश्चन में ये लग सकता है, इसलिए हमें इनके बारे में पहले से पता होना चाहिए। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर वन इज 2x minus 3y। अब हम जब आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं तो विल ट्राई टू अप्लाई आइडेंटिटी। बिफोर दैट हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, 2x minus 3y whole square, फाइन। अब हम आइडेंटिटी कंपेयर करेंगे कि इफ वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर देन वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड नाउ वी हैव 2x minus 3y whole square। अब आप डायरेक्ट देख सकते हैं a की प्लेस पे आप अगर लिख देंगे तो और बेटर ही होगा, इन प्लेस ऑफ a वी हैव 2x, इन प्लेस ऑफ b वी हैव 3y। कंपेयर कर लिया हमने, अब हम क्वेश्चन में आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे। ए की प्लेस पे विल सब्सटीट्यूट 2x minus 2ab plus b square, ठीक है। नाउ 2 square is 4 एंड x is x square, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x square। ये कैसे आता है, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ पर स्टिल हम एक सॉल्व करके देख लेते हैं। 2x square means 2x into 2x, 2 2's are 4, वेरिएबल इनकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 plus 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x square। तो ये कैसे आता है ये हमें ऑलरेडी पता है ना, 2 2's are 4, 4 3's are 12, नंबर विल मल्टीप्लाई बाय नंबर, वेरिएबल विल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। सिमिलरली 3 का स्क्वायर इज 9 वाई स्क्वायर, कितना सिंपल मल्टीप्लीकेशन इसका हो गया। अगर हमें आइडेंटिटी पता नहीं थी तब हम क्या करते, इस टर्म का इन दोनों से मल्टीप्लाई करते, देन इस टर्म का इन दोनों से मल्टीप्लाई करते एंड फाइनली जो आता उनका एड सब्ट्रैक्ट जो भी होता वो हम सॉल्व करते। ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन लिया, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। Now I have x plus a by 2, x plus a by 2. अब थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, x plus a by 2 whole square. Now we'll apply the identity, इसमें plus की identity लगेगी because it is a plus b whole square. a square plus 2ab plus बी स्क्वायर, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे, इन प्लेस ऑफ ए वी कैन इजीली सी एक्स, इन प्लेस ऑफ बी ए बाय टू। जब हमें ए और बी दोनों पता चल गए तो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अवर क्वेश्चन वाज एक्स प्लस ए बाय टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की प्लेस पे क्या है, एक्स है 2, ए की प्लेस पे एक्स, b की प्लेस पे a by 2 प्लस a by 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो इट विल कैंसिल, इट विल गिव यू ax x into a प्लस यहाँ क्या होगा a का भी स्क्वायर एंड 2 का भी स्क्वायर बिकॉज होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर by 4। सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई की बट नंबर थोड़ा सा अलग था। आप देखिए एक और ऐसा कुछ क्वेश्चन लें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, 5b minus half whole square, ठीक है। आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी बिकॉज इट इज a माइनस b होल स्क्वायर। एक बार आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाए और कंपेयर करना आ जाएगी ए की प्लेस पे क्या है बी की प्लेस पे क्या है तो बहुत ही इजी होता है आइडेंटिटी सॉल्व करना। इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 5b, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव हाफ,
Now we'll apply identity. Whole square equal to a की प्लेस पे है 5b, ठीक है, माइनस 2 इन प्लेस ऑफ a 5b, इन प्लेस ऑफ b हाफ प्लस हाफ स्क्वायर. नाउ 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25b स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल गिव यू 5b प्लस इनका स्क्वायर क्या होगा, यस 1/4. वाई 1/4, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4. कितना सिंपल आंसर आया जबकि नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है. तो ये हमने a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर दोनों का प्रैक्टिस किया. नाउ माई नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स मीन्स दो दो टर्म. फर्स्ट इज 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 वाई स्क्वेयर. 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 वाई स्क्वेयर. इसके और पार्ट्स हैं, पहले हम पहला पार्ट लेंगे 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 वाई स्क्वेयर. जो यहाँ बाइनोमियल है वही बाइनोमियल यहाँ भी है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर. ये दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इट विल गिव यू होल स्क्वायर. अगेन फिर से रिपीट कर देती हूँ, x इंटू एक्स है तो इट गिव्स यू एक्स स्क्वायर. और ये कैसे देता है कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है. स्टूडेंट्स मैं बार बार आपकी कन्वीनियंस के लिए रिपीट करती हूँ जिससे आपके माइंड में बिल्कुल ये फिट हो जाए कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है. तो अभी हमने क्या किया, स्क्वायर में लिख दिया. नाउ विल अप्लाई दी आइडेंटिटी. हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो हमने वो आइडेंटिटी लिख दी. अब हम कंपेयर करेंगे. इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 2/3 एक्स स्क्वायर. तो आप लिख दें क्लियरली इन प्लेस ऑफ ए 2/3 एक्स स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ बी 5 वाई स्क्वायर. थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत केयरफुली हमें इसे सॉल्व करना है. ए की प्लेस पे 2/3 एक्स स्क्वायर, ये हमने क्या किया, सिर्फ ए की प्लेस पे लिखा है, इसका भी स्क्वायर बिकॉज फॉर्मूला सेज ए स्क्वायर. 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है. ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस, ये हो गया 2 ए बी प्लस बी का भी स्क्वायर. तो बी ऑटोमेटिकली कितना है 5 वाई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, ठीक है. अब थोड़ा सा इसको ओपन करने में हमें ध्यान से ओपन करना है तो मैं आपको इसको सेपरेटली ओपन करके बताती हूँ. 2/3 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आपकी ये है. होल स्क्वायर का मतलब होता है अंदर जितनी टर्म्स हैं सबका स्क्वायर. नंबर ले लें 2/3 का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर. बिकॉज होल स्क्वायर मीन्स लाइक वी हैव ए बी सी होल स्क्वायर, सो वी कैन ईजिली राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. जितनी टर्म है सब टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर. 2/3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. नाउ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर टू द पावर, मतलब पावर विल बी मल्टीप्लाई. तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, 4/9 एक्स टू द पावर 4. यहाँ पर आप डायरेक्ट करने की बजाय इसे सेपरेटली सॉल्व कर लें तो ये कितना आया, 4/9 एक्स टू द पावर 4, जिससे कोई गलती होने का चांस नहीं हो. अब हम यहाँ देखेंगे,
ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, सारे नंबर न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। तो नंबर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 to the 4, 5 are 20, डिनोमिनेटर में क्या है 3x² y² ये तो सिंपल था। अब सेकेंड टर्म जो है हमारा 5y² स्क्वायर, एज आई टोल्ड यू जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर होगा बिकॉज वी आर हैविंग होल स्क्वायर, तो 5 का भी स्क्वायर होगा, y स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर हो गया तो इट विल गिव यू 5 to 5 5 is 25, एंड y टू दी पावर 4 हो जाएगा बिकॉज पावर टू दी पावर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 25 y टू दी पावर 4। बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बड़ा है तो आपको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, एंड इसलिए बेटर ये होगा कि उसको एक एक पार्ट में सॉल्व करें। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, दो टर्म थी, बाइनोमियल थी, दोनों दोनों सेम थी इसलिए हमने उसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फिर हमने हमारी जो इंपॉर्टेंट चार आइडेंटिटीज हैं उसमें से आइडेंटिफाई किया कि इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कंपेयर किया कि ए की प्लेस पे क्या है, बी की प्लेस पे क्या है, एंड उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने एक एक टर्म को केयरफुली सॉल्व किया। तो हमारा आंसर आया 4 by 9 x to the power 4 plus 20 by 3 x square y square plus 20 y to the power 4 25 y to the power 4। अब हम सेकेंड लेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाफ ऑफ एक्स माइनस 1/5 ऑफ वाई, अगेन हाफ ऑफ एक्स माइनस 1/5 ऑफ वाई, सेम पैटर्न है बट साइन माइनस है, बेस सेम है, मीन्स दोनों फैक्टर जो दिख रहे हैं वो सेम है, और यू कैन से दोनों बाइनोमियल जो दिख रहे हैं वो सेम है, तो यू कैन राइट हाफ ऑफ एक्स माइनस 1/5 ऑफ y होल टू द पावर 2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, फॉर्मूला लिखेंगे हम, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कंपेयर करेंगे, इन प्लेस ऑफ a वी कैन इजिली सी हाफ ऑफ x, एंड इन प्लेस ऑफ b इट इज इजिली विजिबल दैट 1/5 y। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसके इक्वलेंट हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो अगेन इसको इजी बनाने के लिए हम रफ में इसे ओपन करें, होल स्क्वायर है मींस जो भी टर्म अंदर है सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 1/4 x² माइनस, यहां पर ध्यान से देखेंगे 2 के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास जो बच रहा है दैट इज 1/5 x y। नाउ 1/5 होल स्क्वायर, स्टूडेंट ये मैं अभी साइड में कर रही हूँ बट आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देंगे, 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड y स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया प्लस 1/25 y² बहुत सिंपल है बट ऐसे अगर देखें तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट आइडेंटिटी के थ्रू ये बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया। नाउ दो आइडेंटिटी की हमने प्रैक्टिस कर ली, उसमें हमने कुछ सिंपल एग्जांपल भी लिए और कुछ थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल भी लिए। अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी जो होती है दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, एंड आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो नाउ आई विल टेक 1-2 एग्जाम्पल बेस्ड ऑन थर्ड आइडेंटिटी। फाइन, थ्री बाय फोर एक्स प्लस 5/6 y,
3 by 4 x minus 5 by 6 y. सबसे पहले दोनों बाइनोमियल टर्म है, दो दो टर्म है, दो दो फैक्टर हैं। अब आप इनको अगर देखें तो ये एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो फर्स्ट टू आइडेंटिटी तो इसमें अप्लाई नहीं हो रही, बिकॉज हम इन्हें होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, अब हम अगर हमारी थर्ड आइडेंटिटी रिकॉल करें तो वो कुछ ऐसी होती है, हम यही लिख लें कंपेयर करने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वी हैव सेम सिचुएशन, तो आप कंपेयर कर लें, ए की प्लेस पे 3 बाई 4 एक्स, बी की प्लेस पे 5 बाई 6 वाई। सो योर आइडेंटिटी सेज इफ यू हैव 3 एक्स दिस अपॉन दिस ठीक है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 6 वाई स्क्वायर। कितना सिंपल और छोटा सा हो गया, इफ वी हैव ए प्लस बी ए माइनस बी देन इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, मैंने आपको स्क्वायर के काफी सारे क्वेश्चन कराए। होल स्क्वायर मीन्स हर टर्म का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इज 25, 36 वाई स्क्वायर। कितना छोटू सा आंसर इसका आया, बट अप्लाई करने के पहले हमको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि ए की जगह पर क्या है एंड बी की जगह पर क्या है। इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल लेंगे, 2a प्लस 3 बाई बी 2a माइनस 3 बाई बी। अगेन ये फॉर्म दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, कंपेयर कर लें आप, a की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 2a, b की प्लेस पे 3 बाई बी। योर आइडेंटिटी सेज इफ यू हैव a प्लस बी a माइनस बी देन इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, तो ये जब सिचुएशन है तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए इज वॉट 2 ए स्क्वायर माइनस बी इज वॉट 3 बाई बी होल स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया ये, 4 ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 बी स्क्वायर, वन स्टेप क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है if you are comfortable with the identity, otherwise इसको आप multiply करके solve करते तो आपको इसको दोनों term से multiply करना होता, then इसको करना होता, फिर जो आता उनको solve करना होता, like term है तो अगर वो add हो रही है, subtract हो रही है, जो भी हो रहा है, and finally आपको ये answer मिलता। तो identity का role आपको खुद ही click हो जाएगा कि कितना important है।